इन दिनों सोमालिया मूल की अमेरिकी मॉडल हलीमा एडन की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसकी वजह उनका हिजाब पहनकर रैंप पर उतरना है। 19 साल की हलीमा अमेरिकी मॉडल हैं, जो हिजाब पहनकर रैंप वॉक करती हैं। हलीमा बीते साल नवंबर में उस समय सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने मिस मिनेसोटा यूएस पेगमेंट कॉन्टेस्ट जीता था, लेकिन खबर ये थी कि हलीमा हिजाब पहनकर रैंप पर उतरी थी जबकि दूसरी मॉडल स्विम सूट में रैंप पर आई थी। माना जा रहा है कि अमेरिका में पहली बार किसी मॉडल ने हिजाब पहनकर रैंप पर कैटवॉक किया है। हलीमा सिर्फ इसलिए मशहूर नहीं हुई कि उन्होंने हिजाब पहनकर कैटवॉक किया, बल्कि इसकी वजह उनका बचपन और संघर्ष भी है। हलीमा केन्या के रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुई थी। अपने बचपन में हलीमा संयुक्त राष्ट्र की ब्रांड एम्बेसडर बनने का सपना रखती थी, लेकिन बन गई मॉडल। हलीमा कहती हैं कि वो रिफ्यूजी कैंप में रहने वाली महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि रिफ्यूजी कैंप में रहने के चलते उन्होंने वहाँ रहने वाली औरतों के दर्द को महसूस किया है। सोमालिया मूल की हलीमा का परिवार केन्या के रिफ्यूजी कैंप से अमेरिका के सिनेसोटा में आ गया था। दरअसल हलीमा पहली ऐसी मॉडल है जिनकी हिजाब पहनी तस्वीरें सीआर फैशन बुक के कवर पेज पर छपी। साथ ही वह ऐसी मॉडल है जिन्होंने अपने पहनावे के साथ कोई समझौता नहीं। रैंप वॉक के दौरान हलीमा हिजाब के अलावा गर्दन तक ढकने वाले कपड़े भी पहनती। सोशल मीडिया पर भी हलीमा को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। लोग उनके जज्बे की खूब सराहना कर रहे हैं, जबकि फैशन की दुनिया के लोग मान रहे हैं कि हलीमा बंधनों को तोड़ रही हैं और सुंदरता की परिभाषा बदल रही है।